हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है तीज का त्योहार, तो हैप्पी तीज टू ऑल लवली माय फैमिलीज एंड लेडीज। तो बात ऐसी है कि आज तीज के स्पेशल त्योहार पे मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है एक बड़ा सा गिफ्ट। आपको पता है मेरी जितनी भी अनबॉक्सिंग होती है ना, वो बड़े बॉक्स वाली होती है ना। तो एक्चुअली क्या है, मेरे घर में एक चीज नहीं थी जो बहुत टाइम से चाहिए थी। सबके घर में है, मेरे घर में नहीं थी। बट आई एम नॉट दैट काइंड लेडी जो मैं अपने हस्बैंड को बोलूं सबके घर में है मेरे घर में नहीं, मुझे भी दिलाओ। नहीं, उनको खुद से रियलाइज हुआ। क्या होता है ना, शादी से पहले जो आपकी लवर होती है, जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है, उनको जो गिफ्ट जाते हैं ना, वो होते हैं शॉपिंग दे दी, मेकअप दे दिया। लेकिन शादी के बाद सब उल्टा हो जाता है, तो जितने भी सामान आते हैं ना, वो सब घर से रिलेटेड ही होते हैं। तो मुझे भी जो आज गिफ्ट मिला ना, वो मेरे घर से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे घर में वो चीज़ थी नहीं और मुझे उसकी रिक्वायरमेंट भी थी। तो पहले हमने इस पर बहुत सारे वेरियंट्स चेक किए, बहुत सारा हमने इसके ऊपर इंस्पेक्शन किया, हमने बहुत सारे इसके फीचर्स चेक किए क्या है। जो पहले ब्रांड सोचा था वो हमने नहीं लिया, उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, हमने कुछ और लिया। तो वो कैसा लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। मैं सुबह जब पूजा करके रेडी होके बैठी हूँ ना, तब ये बॉक्स मेरे पास आ गया था। पर पता है, मैं अपनी कोई भी चीज ऐसे अनबॉक्स नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे घर में क्या आता है, मेरे घर में कौन सा सामान आ रहा है, मैं सब शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी सब पता लग जाता है मेरे घर में क्या नई चीज आई है ना। तो चलो करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, इसका श्री गणेश दिया जाए। ये इतना बड़ा है, मुझे सच में डर लग रहा है इसको खोलते हुए। जो बात है ना, ये अमेज़न वालों की पैकिंग बड़ी अच्छी आती है यार। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एक तो उनका जो ट्रॉली था ना, वो अलग से था, उन्होंने नॉर्मल सामान के साथ ही सामान नहीं था। ओवन का सोच रही थी कि मुझे ओवन खरीदना है, तब मेरे दिमाग में ना सबसे पहले जो ब्रांड आया था दैट इज IFB, जो कि आजकल बहुत फेमस है। मैंने फिर सोचा चलो ठीक है, एक बार हम विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, चल के आते हैं, देख के आते हैं क्या फर्क है, क्या फीचर्स है, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने IFB पे हाथ मारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट फिनिश, वही खत्म। मतलब उसके बाद मैंने दूसरा देखा ही नहीं, चाहे 21 लीटर का चाहे 30 लीटर का। देन LG फ्लॉप, एक ब्रांड जो मेरे दिमाग में भी था उस टाइम, जो मैंने कंसिडर किया ही नहीं, दैट इज सैमसंग। ठीक है, मैं 21 लीटर का सोच के गई थी, मैंने लिया 28 लीटर का ओवन, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, आगे हम दो ही होंगे, मम्मी पापा भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सब होगा साथ में, है ना। तो मैंने 28 लीटर का ये ओवन खरीदा है। वॉट कितने वॉट का है मैं देख के बताऊंगी, मुझे नहीं पता। नॉर्मली ओवन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सोलो और एक होता है कन्वेक्शन। जो कन्वेक्शन होता है उसमें हम बेकिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सोलो होता है वो सिर्फ चीजों को दोबारा प्रीहीट गर्म करने के ही काम आता है, सिर्फ गर्म करने के काम आता है और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ, जब मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में आइडिया लिया तो लोगों ने मुझे, बहुत लोगों ने बोला तुम कितना भी सोच लो, तुम सिर्फ बेसिक फंक्शन ही यूज करोगी, ये है वो है। बट उस टाइम मुझे जो सही लगा मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने वो लिया, ताकि मुझे आगे जाके ये रिग्रेट ना रहे कि फलाना फलाना किसी बंदे के कहने पे मैंने ऐसा कोई ओवन खरीदा या मैंने कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीद लिया। ऑब्वियसली गाइस, एक 10-11-12 हजार की चीज आप तो खरीदते हो, तो शायद उस टाइम आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि किसी और की। मेरे पापा एक चीज बहुत क्लियर बोलते थे, सुनो सबकी करो अपने मन की, तो मैंने मंगी ली है। ठीक है, पहली बात जिसके लिए मुझे सैमसंग का ओवन ना, जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, आप कोई भी ओवन जाके देख लेना मार्केट में, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सबसे बेस्ट चीज, सी इसका ये सेरेमिक क्लीनिंग, ये जो है ना
ये जो फिनिशिंग, ये जो इसका सेरेमिक फिनिशिंग है ना, ये मुझे किसी भी ओवन में देखने को नहीं मिला जो मुझे ये सैमसंग के इसमें देखने को मिला है। और इसमें देखो ये जो ना, ये बटन्स वाला नहीं है, ये ऐसा टच वाला है। मैंने बहुत सारे ऐसे ओवन देखे थे जिसमें ना बटन थे, वो मतलब मुझे वो सही नहीं लगा। मुझे लगा थोड़ा सा जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा और पैसा खर्च करके अच्छी वाली चीज ही ले लो, तो मुझे ये बहुत लगा। इसमें जो फीचर्स है ना, इसमें एक फीचर है कि आप डीफ्रोजन कर सकते हो इसको, ठीक है, आप इसमें स्लिंग फ्राई कर सकते हो, और डीफ्रोस्टिंग है इसमें, ग्रिलिंग है, ग्रिलिंग तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मुझे एग्जैक्टली अभी पता भी नहीं है। मैंने उस टाइम बस देखा जाके जो मुझे सही लगा और हमारे इंस्पेक्शन के हिसाब से मैंने वो खरीदा। और इसके साथ ना मुझे एक 120 डिशेस का बुकलेट भी साथ में मिला है, उसमें से मैं कितने बनाऊंगी मुझे नहीं पता, पर अभी तो मैंने ये ले लिया। तो इसके साथ मुझे एक ये मैनुअल मिला है। मुझे ना जब हम एक मतलब सोच रहे थे कि हमें ओवन लेना है, तो मेरा ना सबसे पहले क्वेश्चन वहां पे ये भी था कि हमें इंस्टॉलेशन के लिए बुलाना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं फिर से केसेस बढ़ गए हैं, मुझे मुझे नहीं पता, मैं न्यूज नहीं देखती, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं न्यूज बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मैं बहुत खराब न्यूज के मैटर में। लोगों ने बोला कि हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरा वहां पे पॉइंट था कि यार मैं अभी किसी ऐसे अननोन पर्सन को कैसे घर में आने दे दूं मैं इंस्टॉलेशन के लिए। बट जब इसका आया ना कि इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आई वाज वेरी हैप्पी, हाँ ठीक है हम कर लेंगे। और अभी इसके साथ जो ये स्टैंड आया ना, एक इसके साथ महंगे हो, अभी हमने यूज नहीं किया, मैंने इसको ऐसे इसमें फिक्स कर दिया है। और मेरे पास ना अभी तक बोरोसिल का कोई भी बॉक्स नहीं है जिससे मैं आपको गर्म करके दिखाऊं, क्योंकि घर में होता है ना जब कोई नई चीज आती है तो उसमें सिर्फ मीठा ही बनाते हैं, तो मुझे भी यही था कि मैं कुछ मीठा गर्म करूं। और ये स्टैंड जो है ये ग्रिलिंग के लिए है, और ये एक सेरामिक ट्रे है इसके साथ, आई थिंक ये बेकिंग के लिए है, ये वाली, हाँ ये फॉर श्योर ये बेकिंग के लिए है, थोड़ी सी आवाज आ रही है, अच्छी लग रही है। चलो ये भी इसमें मैं फिक्स कर देती हूँ। तो गाइस ये था मेरा तीज स्पेशल का सरप्राइज, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्लान किया था, मेरे सारे सरप्राइज है मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था, ऑल दो मुझे पता होता है कि मेरे लिए है क्या है, बट फिर भी वो सरप्राइज होता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल कि हाँ आपने कुछ मेरे लिए प्लान किया और मैं स्पॉइल कर दूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आई होप आपको ये मेरा तीज स्पेशल अच्छा लगा होगा। ये मेरा ओवन, मुझे नहीं पता अभी तक इसको मैंने यूज भी नहीं किया, मुझे बिल्कुल ओवन यूज करना नहीं आता, बस मुझे दूसरी की मुझे लेना है लेना है, और मैं भी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ उसमें। और मैं क्या बोलूँ, और एक बात अपने अपने हस्बैंड को बिल्कुल मत बोलना, देखो उसके हस्बैंड ने उसको क्या गिफ्ट किया, अपने हमें भी तीज में गिफ्ट नहीं किया, तो बिल्कुल मत बोलना गाइस, ये सबका अपने अपने घर का होता है, मेरा भी है, हाँ शादी के शायद कुछ साल तक जब हमारे घर में जो भी चीज़ नहीं है हम फेस्टिवल पे गिफ्ट करने वाले एक दूसरे को, लगता है अगली बार मैं एक ही गिफ्ट करूँगी अपने हस्बैंड को दूसरे रूम में बैठने के लिए, ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो स्पेशल। वंस अगेन हैप्पी थिंग्स टू एवरी वन, टू माई फैमिली, बार हमें नहीं है एक चीज तो आपसे पूछना भूल गई, पूछो क्या हाँ कैसी है मेरी फैमिली। अब बहुत लोग ये बोलेंगे ना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करता है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी हेलमेट्स बोलते हैं, मेरी बॉडी हीटिंग वाली है इसलिए मेरी हेल्दी ऐसी आती है। चलो गाइस बाय, टाटा, लव यू, कट्टी 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 कट्टी।